सपोज कीजिए आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है आपका 10,000 पर मंथ का, ठीक है, तो ईयरली बिल हो गया 1,20,000 रुपीस, राइट। अब ये मान के चलिए सोलर पैनल की मिनिमम जो ईयर्स लाइफ है वो है 25 ईयर्स, तो ये मान के चलिए अगर आप 1,20,000 रुपये पर ईयर का आप लोग सेव कर रहे हैं तो 25 साल तक मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो आपको अप्रोक्सीमेट 30 लाख। वैसे ही अगर बंजर भूमि किसी के पास पड़ी है तो उसको भी आप रेंट पे देके उस पर सोलर एनर्जी गवर्नमेंट जनरेट करेगी, वो सब कुछ सोलर पैनल जो इंस्टॉल किया जाएगा वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, आपका तो बस एग्रीमेंट होगा, आपका रेंटल इतना अमाउंट मिलेगा। कोई भी मुझे पूरे इंडिया से देख रहे हैं, वेंडर्स वगैरह भी अगर मुझे देख रहे हैं और आप अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं बम्पर कमाई पे, कमाई के ऊपर, तो आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, है ना, ताकि आप और हम मिलके, है ना, सोलर पैनल के ऊपर, है ना, पूरी बेस्ट जानकारी हमारे जो इंडिया के यूथ है और यूथ के अलावा जो अदर बिजनेसमैन है और जो भी देखते हैं, है ना, उनको हम समझा सकें कि सोलर पैनल आगे आने वाले टाइम में कितने फ़ायदेमंद है, है ना, तो वो वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने। गाइस, आज का जो वीडियो है वो सोलर पैनल पे होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा एक्चुअली, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है और आने वाले टाइम में इसकी संभावनाएँ बहुत सारी हैं। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो अपने चैनल पर क्रिएट करके आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि सोलर पैनल से आप कैसे अपने बिजनेस को भी क्रिएट कर सकते हैं, और जो दूसरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, है ना, वो भी अपने बिजली के बिल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसको लगवा के। सो आज के जो बिजनेसमैन हैं उनसे मैं पूरी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करवाने वाला हूं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं अलग अलग बिजनेस के मैन के ऊपर, ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो ब्रांड है उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएँ। नमस्कार, मैं राकेश सैनी, फाउंडर SBC सोलर। सोलर सिस्टम एक क्रांति का रूप लेता हुआ जा रहा है, ये अभी ट्रेंड पे चल रहा है, मतलब ये मान के चलिए इतनी हाई स्पीड से ये अपना इंस्टॉलेशन का इसमें वर्किंग चल रहा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये मान के चलिए आप सब्सिडी का वो ये लोग योजना लेके आए हैं ताकि इस सोलर पैनल सिस्टम में क्रांति ला सकें, और जो बिजली कटौती की प्रॉब्लम है उससे सॉर्ट आउट किया जा सके, और जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है इससे क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कोयला से और पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें कई तरह के पोल्यूशन जनरेट होता है, तो ये सोलर सिस्टम लगाने से ग्रीन एनर्जी ये मान के चलिए ये पैदा होगी अपनी और इकट्ठी होगी, इससे क्या होगा, ग्रीन एनर्जी बनेगी, ग्रीन एनर्जी बनने से पॉल्यूशन एनवायरनमेंट एकदम परफेक्टली काम करेंगे और सही रहेंगे। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली कि आपने भी देखा होगा आसपास के एरिए में, जहाँ पे भी आप मुझे देख रहे हैं पूरे इंडिया से, आपने है ना किसी भी छत के ऊपर देखा होगा, किसी मकान के ऊपर वहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, है ना, और अगर किसी फैक्ट्री एरिया में भी गए होंगे आप, है ना, तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जागरूक हो रही है बिजली का बिल बचाने के लिए, है ना, तो वो भी सोलर पैनल को अपना रही है, और आने वाले टाइम पे इसका बहुत क्रेज़ बढ़ने वाला है, और आने वाले टाइम पे है ना जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, है ना, वो भी इनसे चलने वाली है ना, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सर बताएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सोलर पैनल लगवा के, क्योंकि मेरा बिजनेस चैनल है ना, सोलर पैनल लगवा के मैं कैसे कन्वर्ट करूं बिजनेस के अंदर, वो बताएं। देखिए, जनरली सोलर पैनल सिस्टम जो आप लोग अपने इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो अपनी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप रिड्यूस या फिर कम लेवल तक कर रहे हैं, साथ में आप इससे आप अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वो उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं उसको मैं अभी इलोबरेट आपको इस प्रकार समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है आपका 10,000 पर मंथ का, ठीक है, तो ईयरली बिल हो गया 1,20,000 रुपीस, राइट। अब ये मान के चलिए सोलर पैनल की मिनिमम जो ईयर्स लाइफ है वो है 25 ईयर्स, तो ये मान के चलिए अगर आप 1,20,000 रुपये पर ईयर का आप लोग सेव कर रहे हैं तो 25 साल तक मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो आपको अप्रोक्सीमेट 30 लाख आपको सेविंग होगी। ये तो नॉर्मली हो गया, आप इसको सेव कर सकते हैं और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जीरो कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो लगवाने के लिए है ना, जैसा कि बिहाइंड द कैमरा आपने बताया भी था मेरे पास फंडिंग नहीं है,
है ना, तो क्या मैं लोन्स वगैरह भी ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप सोलर पैनल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पैनल लिस्ट किया हुआ है कि अप्रोक्सीमेट अभी तो हाल फिलहाल जब मैं आपसे इंटरव्यू कर पा रहा हूँ तब तक 10 से 12 बैंक को पैनल लिस्ट में मेंशन किया हुआ है, और ये फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं ये बैंक्स ताकि इस सोलर सिस्टम में एक क्रांति का रूप दे सकें हम, और ये बिजनेस के रूप में बिजनेस एज ए बिजनेस ट्रीट करके इससे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपन जीरो कर सकें। गाइज आप पीछे देख रहे होंगे है ना, सोलर पैनल लगा हुआ है, ऐसे ही कुछ सोलर पैनल आपने जरूर देखे होंगे आसपास के एरिया में जैसे कि मैंने अभी जिक्र करा था। अच्छा सर आप मुझे ये बताएं कितने एरिया का, एरिया के हिसाब से बताएं कितनी प्राइस लगेगी वो बताएंगे। ये मान के चलिए आप अप्रोक्सीमेट 10 किलोवाट अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं ना तो आफ्टर सब्सिडी आपको वो 4,25,000 की आपकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगी, और ये मान के चले ये जो कॉस्ट आ रही है आपकी, ये कॉस्ट आपकी विद इन 4 ईयर्स में आपकी रिकवर हो जाएगी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 4 साल में अगर ये कॉस्ट आपकी रिकवर हो गई ना तो आने वाले मिनिमम से मिनिमम 21 साल तक आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर लेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप जो बिल जनरेट हो रहा था बिफोर सोलर उस पैसे को भी आप री इन्वेस्टमेंट करके मैच्योरिटी पे एक अच्छा खासा अमाउंट 40 से 50 लाख रुपए आप अपना मैच्योरिटी पे पा सकते हैं। अच्छा सर कौन कौन लाभ उठा सकता है, क्योंकि मेरा तो क्या बिजनेस मैन का चैनल है ना, तो उनके बारे में तो आपने बता ही दिया है ना, इसके अलावा कौन कौन लाभ उठा सकता है ये लगवा के वो बताएंगे। देखिए सोलर पैनल सिस्टम का कोई ऐसा क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर यही बंदा सोलर पैनल लगा सकता है। सोलर पैनल ये मान के चलिए मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास, अपर क्लास, बिजनेसमैन, रेजिडेंशियल सभी तरह के लोग सोलर पैनल सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं। पर्टिकुलर ये एक हमारी प्रकृति की देन है, मतलब सूरज की किरणें सब तक पहुंचती है, तो ये मान के चलिए सोलर सिस्टम आप सभी लोगों को सभी लोग इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब बात रही इनिशियली कॉस्ट की, तो कॉस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंस की सुविधा दे रखी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सोलर पैनल सिस्टम लगा के और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो क्रांति जो चला रहे हैं उसमें आप लोग भागीदार बनिए ताकि एक ग्रीन एनर्जी हम लोग पैदा कर सकें। गाइज आप मुझे जयपुर के आसपास के एरिया से, जयपुर के आसपास के जो गांव वगैरह हैं या जयपुर भी है ना वहाँ से देख रहे हैं, तो सर के नंबर वगैरह मैं नीचे डाल दूंगा है ना, सर के ब्रांड के नंबर, अगर आप लगवाने के इच्छुक हैं तो सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और मोर डिटेल्स आप सर से ले सकते हैं ऑन कॉल है ना। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी जिक्र करा है फ्यूचर बिजनेस है ना, इससे बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं और फ्यूचर आने वाले टाइम में है ना हर तरीके से आपकी ये बचत करने वाला है, सो आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या प्रोसेस रहेगा आपसे कांटेक्ट करने का है ना, कितना एडवांस देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें एक बार बता सके तो बता सके। देखिए हमारा सोलर पैनल सिस्टम बेसिकली इंस्टॉल करने का प्रोसेस ये है कि आप हमसे पहले कांटेक्ट किए, कांटेक्ट करके हमारी कोटेशन आप लीजिए हमसे, हमारा क्या कॉस्ट बन रहा है, क्या किस हिसाब से हम लोग इंस्टॉल करेंगे। फिर इसमें बात रही एडवांस देने की बात, हम लोग 30% इनिशियली ऑर्डर पे एडवांस लेते हैं, फिर अपना सोलर पैनल हम लोग ऑर्डर कंफर्म होता है उसके जस्ट बाद 70% हम लोग 60% हम लोग एडवांस ले लेते हैं, जो रिमेनिंग जो 10% का हमारा जो अमाउंट है वो हम लोग इंस्टॉलेशन के जस्ट बाद ही आप लोगों से हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो ये तो हमारी कॉस्ट की पूरी बात हुई, ठीक है। अब बात रही कि हम लोग इसको कैसे किस प्रोसेस में इंस्टॉल करवाएं, क्या करवाएं, इसको कैसे इंस्टॉल करवाएं, तो वो सब प्रॉब्लम हम लोगों की है। आप ओनली इनिशियल अपना कॉस्ट अपना पे कीजिए जो भी उसका बनता है पर किलोवाट के हिसाब से, अगर आप 5 किलोवाट लगा रहे हैं तो 5 किलोवाट के साथ 10 लगा रहे 10, 50 लगा रहे 50, 100 किलोवाट लगा रहे उसी हिसाब से अपना कॉस्ट आप जो हमारा पॉलिसी है उस पॉलिसी का अकॉर्डिंग आप लोग पे कीजिए। अब उसको कैसे इंस्टॉल करना, कैसे ग्रिड से टाइप करना, एग्रीमेंट करना, ये सब हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के वेंडर हैं, पैनल लिस्ट में हम लोगों का नाम है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज डीलर हैं, वो सब हमारी वर्किंग रहेगी। सो कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, हम आपको विद इन ये मान के चलिए 20 डेज टू 25 डेज में हम लोग प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करके इसको एकदम स्टार्ट करके आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए तो हम लोग एक
क्रांति के रूप में इस काम को कर रहे हैं, ताकि ये क्रांति के रूप में हम लोग काम को कर रहे हैं। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तो इस ग्रीन एनर्जी में क्रांति आएगी नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ये इसलिए साथ दे रही है सोलर पैनल में कि जो बिजली की कमी जो आ रही है सामने, कोयले की कमी है, बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं बन रहा, तो इस वजह से भी है ना ये सब भी एक तरीके से जो नया एक्सपेरिमेंट किया है हमारे वैज्ञानिकों ने सोलर पैनल में, सूरज की किरणें से आप लोग अपनी बिजली बना सकते हैं। उस बिजली को मतलब बना के खुद के लिए कंजम्पशन के साथ साथ आप लोग मतलब एक अल्टरनेटिव सोर्स है इनकम का। आप ये बिजली जो यूनिट जनरेट हो रही है आप गवर्नमेंट को सेल आउट भी कर सकते हैं ऑन ग्रिड के माध्यम से। तो ये मैं ये मान के चलिए इसमें एक तो आपका तीन तरह के मैं मोटा मोटी आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। एक तो ये मान के चलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो हो रहा है। दूसरा अगर एक्सेस आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जनरेट हो रहा है तो आप एक सेंटर आप गवर्नमेंट को डिस्कॉम को ये सेल आउट कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पैसा है आप किसी भी आरडी अकाउंट में या फिर पोस्ट ऑफिस में आप लोग इसको जमा करके 20-21 साल बाद में एक अच्छा मेच्योरिटी अमाउंट पा सकते हैं। ये आप लोगों को मतलब जब तक जागरूक नहीं होंगे आप लोग तब तक इस चीज़ में क्रांति आएगी नहीं। ये बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है कि एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए लेके आए कि सोलर पैनल सिस्टम में आप लोग ये मान के चलो कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट रिड्यूस कर सके, इनकम सोर्स इसको बना सके अपने आप में इनकम सोर्स। अब ये तो है अपना एक तरीके से ऑन ग्रिड का रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल का इनकम सोर्स। और सेकेंड फेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर किसी के पास बंजर भूमि पड़ी है, खाली ज़मीन पड़ी है जिसमें पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है या पैदावार भूमि नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी एक ऐसी योजना लेके आई है कि अगर खाली ज़मीन पड़ी है तो गवर्नमेंट उसको रेंटल आपको रेंटल देगी, उसमें वो सोलर पैनल इंस्टॉल करेगी, उससे बिजली जनरेट करके वो अपने ग्रिड में भेजेगी। तो ये अल्टरनेट इनकम का सोर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी पैरेलल चला रखी है। जैसे सब्सिडी वाला सोलर पैनल सिस्टम का गवर्नमेंट लेके आई है, वैसे ही अगर बंजर भूमि किसी के पास पड़ी है तो उसको भी आप रेंट पे देके उस पर सोलर एनर्जी गवर्नमेंट जनरेट करेगी, वो सब कुछ सोलर पैनल जो इंस्टॉल किया जाएगा वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। आपका तो बस एग्रीमेंट होगा, आपका रेंटल इतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है अच्छा, कोई भी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैसे आप कहाँ कहाँ तक सर्विस अपनी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि अपन तो आज जयपुर में बैठे हैं, जयपुर के आसपास में तो आपने बताया था मुझे है ना, पूरे इंडिया लेवल से अगर आपके पास कॉल आते हैं तो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं क्या आप? सर देखिए, जो हमें ये लाइसेंस हमें जो मिला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑल ओवर राजस्थान में हम हमारी सर्विसेज कहीं पे भी दे सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चले अगर ये सब्सिडी का बेनिफिट उठाना है ना आपको, तो आप इंडिया में कहीं पे भी बैठ के किसी भी स्टेट पे बैठ के, क्योंकि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, रूफ टॉप सोलर जो योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये तो ऑल इंडिया में कहीं पे भी आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर राजस्थान में आपको बेनिफिट लेना है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा जो फर्म का नाम है SBG सोलर के नाम से है, तो आप उसमें भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर अदर स्टेट में आपको जाना है तो आप जैसे ही साइट पे जाएंगे तो आपको वेंडर्स की लिस्ट मेंशन की हुई होगी, तो वहाँ पे किसी भी स्टेट के वेंडर से आप कॉन्टैक्ट करके इस चीज़ का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। कोई भी मुझे पूरे इंडिया से देख रहे हैं, वेंडर्स वगैरह भी अगर मुझे देख रहे हैं और आप अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं बम्पर कमाई पे कमाई के ऊपर, तो आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे है ना, ताकि आप और हम मिलके है ना सोलर पैनल के ऊपर है ना पूरी बेस्ट जानकारी हमारे जो इंडिया के यूथ है और यूथ के अलावा जो अदर बिजनेसमैन है और जो भी देखते हैं है ना, उनको हम समझा सकें कि सोलर पैनल आगे आने वाले टाइम में कितने फ़ायदेमंद है ना, तो वो वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं। राजस्थान लेवल पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो सर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आप मुझे अब ये बताएं, जैसे मैंने आपका वीडियो देखा है ना और मैंने इंस्टॉल भी करवा लिया है ना, अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो मैं कहाँ कॉन्टेक्ट करूँ वो बताएं। ये मान के चलिए जो इस रूफ टॉप सोलर योजना में अगर हम लोग वेंडर बने हैं ना, पैनल लिस्ट में अगर हमारा नाम है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत हम 5 साल के लिए आपको सर्विस देंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। उसमें ये हमारी वेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे आप लगवा रहे हैं, सपोज करें आज हमसे लगवा रहे हैं तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी की 5 साल तक हम लोग उसकी मेंटेनेंस की आपको सर्विसेज देंगे, राइट।
और उसके बाद भी होती है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका जो भी नॉमिनल चार्जेस होगा उस नॉमिनल चार्जेस। वैसे तो जनरली सोलर पैनल सिस्टम में कोई मेंटेनेंस चार्जेस जीरो रहता है, अदरवाइज अपना ये मान के चलो मिनिमम से मिनिमम ये मान के क्लीनिंग आप उसको बस पानी से वॉशिंग करना है, पानी में पानी से वॉशिंग के अलावा और कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार हम वेंडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग 5 साल तक आप लोगों की मेंटेनेंस सेवा में हाजिर रहें। सर आज जो मैंने आपसे सोलर पैनल के ऊपर क्वेश्चन किए है ना वो बहुत लिमिटेड थे, और आगे आने वाले मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आपसे आगे आने वाले 6 महीने में 1 साल में मैं वापस आपके पास दोबारा आऊँगा है ना, और क्वेश्चंस हम एक वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन हम हमारे दर्शकों को देंगे और बहुत सारे कमेंट भी आएंगे उसके भी आपसे भी है ना। आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए है ना सोलर पैनल के ऊपर हमारे यूथ को जागरूक करने के लिए, हमारे दर्शकों को जागरूक कर, पूरे इंडिया को जागरूक करने के लिए, अगर उसमें मैंने कुछ छोड़ दिया हो और आप अपने तरीके से कुछ एडिशनल ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखिए जो आपका ये YouTube चैनल है बम्पर कमाई, एक बहुत ही अच्छा YouTube चैनल है, तो मैं बम्पर कमाई का जो बेनिफिट्स है मैं ये आपको ये इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े, और साथ ही ये सोलर पैनल के लिए जो क्रांति पैदा करनी है ना यूथ ही ये क्रांति पैदा कर सकता है, ये मान के चलिए आप। अगर आप लोग के अगर अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से अगर इस सोलर पैनल सिस्टम को इंस्टॉल कराएंगे कहीं ना कहीं वो खामियां इसकी गिनाएंगे आपको, हो सकता है इसके बेनिफिट भी गिना दें अगर वो लोग जागरूक हैं इस बारे में अवेयर हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ ये आपको कहना चाहूँगा कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझे, समझने के बाद ही आप लोग सोलर पैनल सिस्टम को इंस्टॉल करवाएं, और इससे मतलब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ग्रीन एनर्जी पैदा होगी इससे, ग्रीन एनर्जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें क्रांति लाके ये मान के चलिए आप। इससे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल तो रिड्यूस करेंगे, साथ में आप अल्टरनेट इनकम सोर्स भी आप लोग जनरेट कर सकते हैं, वो केवल यूथ ही समझ सकता है। अब यूथ कैसे समझ सकता है उस चीज़ को मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। गाइस ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप मुझे कोई भी देख रहे हैं, बिजनेसमैन भाई देख रहे हैं, आप यूथ हैं, आप कुछ खोलना चाहते हैं तो आपको भी बिजली की ज़रूरत तो पड़ती है ना, तो आप शुरुआत में ही जागरूक हो जाएं और सोलर पैनल को लगवाएं तो आपकी रिड्यूस हो जाएगी है ना, घर पे भी लगवा सकते हैं, और किसान भाई जो मेरे को गांव से देख रहे हैं है ना वो भी ये चीज़ें लगवा सकते हैं। सर अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया था, गाँव में भी लगवा सकते हैं ना? बिल्कुल सर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था इसकी कोई भी कैटेगरी फिक्स नहीं है, ये हर कोई आदमी लगा सकता है जिसके घर तक सूरज की किरण पहुंच रही हो ना, उन सबको ये बेनिफिट दे सकती है। अभी ये बेनिफिट एक इसको मैं एक आपको एक इमेज के थ्रू आपको समझाऊँ कैसे बेनिफिट दे रही है, और भी आपको मैं समझा सकता हूँ। आपका सूरज की किरणें हर एक आदमी के पास पहुँचती है, वो सूरज की किरणें आपके पैनल पर गिरेगी, पैनल से वो इन्वर्टर से कन्वर्ट होगी, इन्वर्टर से कन्वर्ट होके वो आपके ग्रिड पे जाएगी। अब ग्रिड पे जाएगी वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो रहा है सपोज कीजिए, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सूरज की किरणें एक तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की आपकी सेविंग कर रही है। वो तो फ्री है सूरज की किरणें, तो वो तो सूरज की किरणें तो ये मान के चलिए भगवान की प्रकृति की देन है, उसका पैसा किसी को नहीं देना है आपको, ओनली आप तो अपना जो सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं ना लगवाने का पैसा देना है, वो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं, वो कॉस्ट भी ये मान के चलो कि आपको वन टाइम कॉस्ट वो आपको पे करनी है, और इसकी लाइफ मिनिमम से मिनिमम 25 साल है, तो 25 साल बाद ऐसे नहीं है कि आपका ये सोलर पैनल सिस्टम एकदम बेकार चला जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें बस थोड़ा सा रिड्यूस आएगा, वो डिक्रीज हो गया। अभी सपोज कीजिए पर किलोवाट 5 यूनिट वो जनरेट कर रही है, तो ये मान के चलिए 25 साल बाद में वो 3 यूनिट जनरेट करेगी या फिर 2.5 यूनिट जनरेट करेगी, ऐसा नहीं है कि वो 0 यूनिट जनरेट करेगी। तो इसके बेनिफिट्स ही है, आप लोग इसको गहराई में समझेंगे, एक बार लगवाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, वो लोग भी लगवाएंगे। कम से कम मेरा ये मानना है जो शिक्षित युवा है वो इस चीज़ को समझें, इसमें क्रांति लाने की कोशिश करें और सपोर्ट करें गवर्नमेंट को भी, भारत की गवर्नमेंट को भी, ताकि इसके साथ अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग युवा अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आपके साथ साथ ये मान के चलिए आप आने वाले जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो एडिशनली बिजनेसमैन है वो भी आप लोग से सीख लेके इस चीज़ को इस सोलर पैनल सिस्टम में आएंगे और इसका बेनिफिट लेंगे और इससे अपन भारत सरकार को सपोर्ट करेंगे।
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम मेरे साथ शेयर करा, मेरे दर्शकों के साथ शेयर करा। और अगेन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, आने वाले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर मैं आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत होऊंगा और आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा हमारे दर्शकों के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी किसी मान शख्सियत के साथ जो उनके बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू।